सारे स्टेजेस होते हैं एक फीमेल के, पता है, एक बेटी होती है, एक माँ होती है, एक सास होती है, एक बहू होती है, सारे किरदार होते हैं। वो दिल बहुत बड़ा है, वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं, काफ़ी मतलब हमेशा चेहरे पे स्माइल होते हैं। अगर कुछ भी बोलते हैं कि यहाँ का रास्ता बता दो यहाँ पे, वो इतने मतलब जब तक वो रास्ते नहीं मिलेगा ना ऐसे जगह, फिर उसके बाद ऐसे जगह, मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं ना, तो मैं क्या बताऊँ। तो और काफ़ी पंजाबी फ्रेंड्स भी हैं मेरे। अब हम लोगों ने स्ट्रगल पीरियड देखा है, जब हम लोग ने इंडस्ट्री में जब नहीं थे तो ऑब्वियसली सब स्ट्रगल पीरियड देखते हैं, अंटिल अनलेस कि हम वो एक्टर वाले खानदान में घर में नहीं है, हम लोग भी एज अ फ्रेशर्स नॉन एक्टर्स के से हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रगल देखी ऑडिशंस देना एंड पता वो रोल, मतलब कभी वो चीज़ मिलती भी थी, कभी वो चीज़ नहीं मिलती भी थी। मेरा जो तब से हमें साथ में हम लोग काम किए हैं ऑल दैट, अभी वो यहाँ पे आ गए और मैं वहाँ पे रह के अभी बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाया और मैंने वेब सीरीज़ भी की है वहाँ पे, मैंने साउथ मूवीज़ भी की है। तो अब एज अ प्रोड्यूसर मैं सोचती थी कि अब यहाँ नहीं करना है मुझे, एज अ डायरेक्टर मुझे पंजाब इंडस्ट्री में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पता बीइंग एज अ प्रोड्यूसर, वो बिजनेस वो एक टेक्निकली दिमाग में आता है कि बिजनेस है, बट पता फॉर मी यू नो एज एन एक्टर, चलो ठीक है, एज एन एक्टर ये होता है कि पता अपने आप पूरे कैरेक्टर में घुस जाते हो कि जो चीज़ आप नहीं हो वो कैरेक्टर को आप अडॉप्ट करते हो, वो कैरेक्टर के आप ना वो चीज़ दिखाते हो। सारे चीज़ें ना मिलके ही ना एक प्रोडक्ट बनता है, कि ये नहीं कि पता है आप कमर्शियल ना देखो उसमें, पता कमर्शियल एज एन लाइक एज एन प्रोड्यूसर आप पता कमर्शियल ही पता इन्वेस्ट करते हो, उसे वो सारी सब कमर्शियल होगी। अभी टेक्निकल चीज़ें देखो कि सारा सब कुछ अभी प्रोडक्शन हो गया, अभी आर्टिस्ट में जैसे परफॉर्मर्स हैं वो भी मायने रखते हैं, तो हर एक चीज़ का ना अपना अपना एक किरदार होता है, तो वो सारी चीज़ें मिलके ना एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसमें ये नहीं कि बस एक ही चीज़ पे आप ना ध्यान दो। सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो देसी चैनल, तुहाडे नाल हां सिमरन हंस। सो फसल वैब सीरीज आ रही है, उन्होंने प्रोड्यूसर सहनूर साडे नाल मौजूद है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छा, ये हिंदी बोलते हैं तो ज्यादातर समझ में इन्होंने हिंदी होती है, समझ में आती है, समझ बोल नहीं पाती। हाँ। हाँ। so, मैं सवाल पूछ लूंगी, पंजाबी का आंसर हिंदी से देंगे, राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% जी। सो फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट है, तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच भी गल की थी है कि तुहाडा एक विजन है कि मैं फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट ज्यादा बनावा। फीमेल ओरिएंटेड बनाना है? हाँ। सवाल क्या था तुहाडा? विजन अच्छा, आपका विजन है ना कि फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट ही बना रहा है। हाँ। तो मैंने आपसे कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था कि क्या थॉट प्रोसेस है, मैं चाहूँगी इंटरव्यू में बताओ आप। देखो, बीइंग एज अ फीमेल ना, मैं खुद एक फीमेल हूँ, पता है, मैं सारे स्टेजेस होते हैं एक फीमेल की, पता है, एक बेटी होती है, एक माँ होती है, एक सास होती है, एक बहू होती है, सारे किरदार होते हैं। तो पता है मैंने सोचा कि पता है अभी यहाँ पे पंजाबी इंडस्ट्री में ना एज अ डेब्यू अगर मैं आऊँ तो पता है मैं वुमेन सेंट्रिक बनाऊँ, जो कि पता है यहाँ पे ना काफ़ी सारी फैमिलीज़ को, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे पंजाबी हैं, जो कि पता है उनकी सारी स्टोरीज़ मैं सुनती हूँ, जो कि आधे लोग मैरिड हैं और आधे लोग आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड एवरीथिंग। तो व्हाई नॉट, मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस पे ना कुछ हम बात करते हैं। फिर मेहराज से मैंने ये बारे में बात किया कि ये चीज़ पे ना हम तवज्जो देते हैं और इसको आगे करते हैं। क्या बात है। हाँ जी। सो किमें लग रहा है पंजाब दे विच आके, तुसी कहा सी कि मैंने पंजाब बहुत पसंद आए थे, लोग खाना। हाँ बहुत 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 पंजाबी यार, जब पंजाबी लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं, काफ़ी मतलब हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है, मतलब अगर कुछ भी बोलते हैं कि यहाँ का रास्ता बता दो यहाँ पे, वो इतने मतलब जब तक वो रास्ता नहीं मिलेगा ना ऐसे जगह, फिर उसके बाद ऐसे जगह, मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं ना, तो मैं क्या बताऊँ। तो और काफ़ी पंजाबी फ्रेंड्स भी हैं मेरे बहुत टाइम से, मेहराज को मैं कब से जानती हूँ, 10-12 साल हो गए। तो सो उत्थे दी कोई याद जिहड़ी सांझी करनी चाहो, जिवें तुसी क्या मुंबई च तुसी वी सी, महाराज सर वी सी, इकट्ठे एक स्ट्रगल पीरियड देखा है तुसी? हाँ, हम लोगों ने स्ट्रगल पीरियड देखा है, जब हम लोग ने इंडस्ट्री में जब नहीं थे तो ऑब्वियसली सब स्ट्रगल पीरियड देखते हैं, अंटिल अनलेस कि हम वो एक्टर वाले खानदान में घर में नहीं है, हम लोग भी एज अ फ्रेशर्स नॉन एक्टर्स के से हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रगल देखी ऑडिशंस देना एंड पता वो रोल, मतलब कभी वो चीज़ मिलती भी थी, कभी वो चीज़ नहीं मिलती भी थी। तो मैं और मेहराज ने तब से हमें साथ में हम लोग काम किए हैं ऑल दैट, अभी वो यहाँ पे आ गए और मैं वहाँ पे रह के अभी बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाया और मैंने वेब सीरीज़ भी की है वहाँ पे, मैंने साउथ मूवीज़ भी की है। तो अब एज अ प्रोड्यूसर मैं सोचती थी कि अब यहाँ नहीं करना है मुझे, एज अ डेब्यू पता है मुझे पंजाब इंडस्ट्री में करना है और इंडस्ट्री को, पंजाब इंडस्ट्री को स्पेशली मुझे आगे बढ़ाना। क्या बात। अच्छा, एज एन एक्टर गल करिए, एक्टर एक आर्टिस्ट है, प्रोड्यूसर इज़ अ प्योर बिजनेस थिंग है। सो फसल वास्ते
एक्टर जो बिच द आर्टिस्ट है वह किन्ना इनवॉल्व है तो एक बिजनेस वूमेन किन्नी इनवॉल्व है इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल पता है बीइंग एज अ प्रोड्यूसर वो बिजनेस वो एक टेक्निकली वो दिमाग में आता है कि बिजनेस है बट पता है फॉर मी यू नो एज एन एक्टर चलो ठीक है एज एन एक्टर ये होता है कि पता है अपने आप पूरे कैरेक्टर में घुस जाते हो कि जो चीज़ आप नहीं हो वो कैरेक्टर को आप अडॉप्ट करते हो वो कैरेक्टर के आप ना वो चीज़ दिखाते हो सेम एज प्रोड्यूसर ना आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि यार ये कंपटीशन है इतना पैसा लगा इतना मुझे प्रॉफिट लॉस मैं वो नहीं देखती हूँ मैं भी पता है इसमें पूरी तरह से पता मैं ढल जाती हूँ कि पता इस कंटेंट क्या है इसमें परफॉर्मर्स कौन है उस सारी एक एक चीज़ मेरे लिए ना बहुत मायने रखती है ना कि जस्ट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा एक ताज सर की बात करें या महराज सर की इन्होंने बड़े आर्टिस्टिक से जो हमें कंटेंट है वो ला कर दिए हैं चाहे पेंटर की बात हो लवर की बात हो राइट डस्टबिन देखी है हम लोगों ने राइट एक आर्टिस्टिक वे होती है ना जो रिप्रेजेंट करने की बट एक प्रोड्यूसर हमेशा कमर्शियल फैक्टर्स देखता है तो आपने ऐसे क्या फैक्टर्स देखे हैं फसल में आर्टिस्टिक और कमर्शियल बोथ कौन से फैक्टर्स हैं जो फसल को अलग बनाते हैं देखो सारे चीज़ें ना मिलके ही ना एक प्रोडक्ट बनता है कि ये नहीं कि पता है आप कमर्शियल ना देखो उसमें पता कमर्शियल एज एन लाइक एज एन प्रोड्यूसर आप पता है कमर्शियली पता इन्वेस्ट करते हो सब वो सारी सब कमर्शियल होगी अभी टेक्निकल चीज़ें देखो कि ये सारा सब कुछ अभी प्रोडक्शन हो गया अभी आर्टिस्ट में जैसे परफॉर्मर्स है वो भी मायने रखता है तो हर एक चीज़ का ना अपना अपना एक किरदार होता है तो वो सारी चीज़ें मिलके ना एक प्रोडक्ट ही तैयार होता है तो इसमें ये नहीं कि बस एक ही चीज़ पे आप ना ध्यान दो कैसी तैयारी चल रही है सेट पे भी रहोगे कल से हाँ हाँ मैं खुद सेट पे रहूँगी क्योंकि पता है ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है इट्स लाइक माय फर्स्ट बेबी तो ऑब्वियसली तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सारे सब लोग 100% दे रहे हैं इस चीज़ को एंड ये नहीं कि फसल में मैं देख रही हूँ ना मुझे ऐसा लगा था कि चलो ठीक है एज अ प्रोड्यूसर है पता नहीं ना एज एन आर्टिस्ट कभी कभार पता है मैंने भी काम किया एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि चलो कभी कभार ऐसे दिमाग में आता है चलो ठीक है ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो पता हम प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं चलो ठीक है अपना काम खत्म फिर चलो दूसरे प्रोजेक्ट बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना सब लोग ऐसे फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं और सब अपना 100% दे रहे हैं वो देख के पता मुझे बड़ी खुशी हो रही है सीरियसली हाँ। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों मैं ये कहना चाहूँगी कि ये देखो ये मेरा पहला डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर है पंजाबी इंडस्ट्री में और मैं वुमेन सेंट्रिक जॉनर से बिलोंग अभी इस चीज़ को पता है मुझे पंजाब इंडस्ट्री में आगे करना है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स और डॉक्यूमेंट्रीज जो भी है हम आपको यू नो एंटरटेन करते रहेंगे थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी थैंक यू सो मच